आज देश में सच बोलने वालों के साथ, सवाल पूछने वालों के साथ और विपक्ष के साथ क्या कुछ हो रहा है वो आप सभी देख रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर कभी केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे पड़ रहे होते हैं तो कभी कोर्ट केस में उन्हें उलझाया जा रहा है। इसी पूरी उथल पुथल पर बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति सत्य रंजन धर्माधिकारी ने बड़ा बयान दिया है कि आखिर किस तरह से विपक्षी नेताओं को कोर्ट कचहरी में फंसाने की चाल सत्ताधारी दल पर उल्टी पड़ सकती है। इसी पूरे मामले पर हम बात करते हैं। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति सत्य रंजन धर्माधिकारी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि विपक्षी दलों के सदस्यों को अदालती मामलों में उलझाना कार्य प्रणाली का दुरुपयोग है जो सत्तारूढ़ दल पर उल्टा पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आज अलग राय रखने वालों के मुंह बंद कराने के कई तरीके हैं। इसी प्रक्रिया में अगर आप किसी को टारगेट करना चाहते हैं और उसे अदालती मामलों में फंसाते हैं तो याद रखिए, प्रक्रियाओं का यह दुरुपयोग उल्टा पड़ सकता है। 2020 में इस्तीफा दे चुके जस्टिस अधिकारी ने यह भी कहा कि अगर आप ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जहां मुख्य धारा के राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीतिक दलों के नेताओं को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। अगर आप मुख्य नेताओं के खिलाफ ऐसा करते हैं तो कल खतरा पैदा हो सकता है और इससे तानाशाही हो सकती है। हमने कुछ मामलों में 1975 के आपातकाल में इसका अनुभव किया है। मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को हाल ही में 2 साल की सजा सुनाए जाने के संदर्भ में पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि सूरत की अदालत कांग्रेस नेता को कम सजा सुना सकती थी। जब पूर्व न्यायाधीश से पूछा गया क्या वो वर्तमान उच्च न्यायपालिका से निराश हैं, तो उन्होंने ना में उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि नागरिक न्यायपालिका पर बहुत अधिक निर्भर है। वो कहते हैं, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश M.N. वेंकटचलैया कहा करते थे कि न्यायपालिका पर अत्यधिक निर्भरता आपको लोकतंत्र से वंचित करती है। आपने CGI को भगवान बना दिया, हमें कोई नहीं बचा सकता। गांधी और भावे ने मुद्दों को हल करने के लिए जनहित याचिका दायर नहीं की। ऐसा कहने के बाद मैं उस बात पर भी विश्वास करता हूं जो मुख्य न्यायाधीश भरूचा ने कहा था। उन्होंने कहा था कि एक जज को देखा या सुना नहीं जाना चाहिए बल्कि केवल पढ़ा जाना चाहिए। तो क्या जजों के लिए रोज बोलना जरूरी है? मैं रोज इसलिए बात करता हूं क्योंकि कानून मंत्री कुछ ना कुछ बोलते हैं, उन्होंने साजिश रची है और हम उसमें फंस रहे हैं, हम उस जाल में गिर रहे हैं। जाहिर है आज के वक्त में सरकार असल मुद्दों पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। अगर विपक्ष जनहित के मुद्दों को उठाए, सवाल करे, न्यायपालिका की पोल खोले तो उनके साथ क्या कुछ होता है, क्या खेल होते हैं, क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब ऐसे में जिस तरह से पूर्व जज ने कहा है कि विपक्षी नेताओं को कोर्ट कचहरी में फंसाने की चाल सत्ताधारी दल पर उल्टी पड़ सकती है, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश नीति को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।